Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday. You too, bye. Shuruaat. Happy birthday. बड़ा सा मुंह और काटते हैं थोड़ा उधर देख। थैंक यू सुनील भाई। हाँ हाँ खिलाओ खिलाओ। छोटा काटते हैं ना, काट लेते हैं। छोटा फेंक दें आप। हाँ मेरे को भाई थोड़ा थोड़ा खिलाओ, बैठ जाए भाई। हाँ ये पूरा मेरा पेट भर गया है। अरे पूरा 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 ज्यादा ज्यादा खिलाए ठीक रहेगा। इतना बड़ा है, पेट बड़ा है, साइज बड़ा है, पेट बड़ा है तुम्हारा। आइए हैप्पी बर्थडे टू यू। पेट के थैंक यू। हां बाप सतर भैया खिला ले। तो सर उधर कोई बात नहीं, मेरे को ध्यान नहीं है। हम तो सतर भाई बड़ा सा मुकोलो। सतेंद्र भाई हमारे पुराने मित्र और भोजपुरी के बड़े शानदार एक्टर। हाँ मैं काट रहा हूँ सतेंद्र भाई। जी 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 भैया सतेंद्र भाई, थैंक यू। आपका बर्थडे इतना महान बने और आप बहुत अच्छे इंसान हैं। करते रहे और पूरा तरक्की करते रहे, दिल से दुआ है। और हमारे सौभाग्य है कि आज पधारे भैया। भैया कुछ गा दीजिए, गोरखपुर के हैं आप ना, हिंदी गा दीजिए, कुछ भी गा दीजिए, हिंदी भोजपुरी कुछ भी गा दीजिए, मजा आ जाए, मजा आ जाए। मुबारक हो सबको समय सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना। मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। मुबारक हो सबको समाए सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना। हजारों तारा के ये होते हैं आंसू, अगर दिल में गम हो तो रोते हैं आंसू, खुशी में भी आंखें भिगोते हैं आंसू। हमें जान सकता नहीं ये जमाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना। मैं तो थैंक यू भैया। और जीतू भाई हमारे मित्र जीतू भोजपुरिया, और बड़े प्यार से इन्होंने इनवाइट किया हम लोगों को, हमारे मित्र बल्ली भाई और सुनील शैलेश और भाई को साहब की पूरी टीम, सतेंद्र भैया ठीक है, और सतेंद्र थैंक यू आप सबको, और जीतू भाई धन्यवाद, सतेंद्र भैया बल्ली भाई सुनील भाई सब लोग। भाई साहब ने इतना शानदार गाना गाया हमारे गोरखपुर के लिए, और बड़े शानदार गाने से इन्होंने मेरे इस खास दिन को और ज्यादा खास बना दिया। मैं सबसे खास बात यह है कि आज बहुत सारे लोगों के मेरे को फोन आ रहे हैं कि सर आप मेरे पास आओ। जिनके पास भी जा रहा हूँ बड़ा सा केक लेके आ रहे हैं, और उससे भी बड़ा दिल जो कि वो मेरे लिए पेश कर रहे हैं कि भाई हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, और इस तरह से केक काटा जा रहा है, केक खा खा के पेट भर गया है आज, तो ये आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से ही संभव हो पाया। और सतेंद्र भाई जैसा कि बता रहे थे कि बड़ी खूबसूरत फिल्म करने जा रहे हैं, सतेंद्र भाई कब से कर रहे हो? सबसे पहले नमस्कार और बहुत बहुत बधाई हो, आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। भैया आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और बहुत नेक दिल इंसान है इंडस्ट्री के लिए। आपने भी सबको चर्चाएं में रखने वाले, आप एक ऐसे ब्राह्मण देव पत्रकार होने के सारे काम हमको करने ही होते हैं, लेकिन अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं जो कि हर किसी के हर छोटे बड़े आर्टिस्ट के लिए दिन रात दौड़ते रहते हैं, आप लोग उनकी मदद के लिए आगे आते रहते हैं। मेरे को लगता है कि वो ज्यादा बड़ा काम है और ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। जी इम्पोर्टेंट तो
सबसे बड़ा आप जो सबको रूबरू कराते हैं, दिखाते हैं, महान बनाते हैं, उसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। और जीतू भाई आज बड़ा सस्पेंस, एक वो बोलते हैं क्या बोलते हैं, एक अचानक जो सरप्राइज दिया है वो मुझे पता नहीं था, और मैं बहुत खुश हुआ कि हमारे बड़े भैया बहुत निकली इंसान, आज आपका ये महान दिन है, तो थैंक यू, हमने दिल से बधाई। हमारी पूरी टीम जो हमारे भाई लोग बैठे हैं, हम लोग एक ही जगह के हैं, तो उभरता हुआ सितारे सितारा है, भाई भी आए हुए हैं, हमारे भाई साहब बहुत गुप्ता जी से पहले से पहचाने हैं, ये जीतू भोजपुरिया, देखिए भोजपुरिया भोजपुरिया आन बान शान, एकदम कितना बड़ा नाम है भोजपुरिया, हम लोग भोजपुरी बोलते खुद भोजपुरिया, मतलब पूरी बहुत अच्छा प्यारा बच्चा है अपना सनी, बड़ा हम लोग सरकार करता है, बहुत अच्छा भाई अपना, और हम लोगों के साथ ही रहता है, बहुत प्यार दुलार मिलता है, सनी मिलते रहता है, अच्छा लगता है। मैं कहना चाहता हूँ कि खेसारी भाई के जितने बड़े गीतकार है ना, वो पबजी और सब्जी जिसमें काटते रहते हैं, ये सारे गाने हमारे जीतू भाई ने शूट किए, उनके वीडियो डायरेक्टर जीतू भाई ही हैं, मिलियन इनके लिए बहुत छोटी सी बात है, जब इनका मन होता है एक गाना बना देते हैं, मिलियन पार हो जाता है, बस ये तो प्यार है आप लोगों का, सबसे ज्यादा सबको टॉपिक का मिलता है, तो चर्चा में डालते हैं न्यूज वाले भाई, मिलिए मिलियन में जाइए, और इनका बहुत ही ज्यादा सपोर्ट रहता है मुझे, इनका इतना प्यार मिलता है कि मैं मेरे पास शब्द नहीं बोल सकता हूँ, सबसे बड़ा अगर हम लोग मीडिया के थ्रू किसी के हम लोगों के बात किसी तक जाती है, आप काम अच्छा करते हो। अच्छा, नाम क्या है, ये भोजपुरिया क्यों जोड़ दिया है, भोजपुरिया ऐसे आप जाते, हम भी कहीं जाते थे जब पूछते क्या करते हो, तो इससे अच्छा है कि कोई पूछे मतलब क्या करते हो, भोजपुरिया लगाने के कारण इसको बताना नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं, पब्लिक कैसे जान जाती है भोजपुरिया लगाने में, तो भोजपुरी कुछ ना कुछ करता ही होगा, इसलिए भोजपुरिया लगा। तो सवाल पूछ लेता हूँ, भोजपुरिया वीडियो डायरेक्टर जीतू भोजपुरिया, 100+ मिलियन व्यूज वाले जीतू भोजपुरिया, भोजपुरिया नाम इसलिए जोड़ा क्योंकि लोग पूछे ना कि असल में क्या करते हो, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हो, ये उससे साफ हो जाता है, लेकिन इनका असली नाम क्या है? मेरा नाम असली नाम जितेंद्र प्रजापति है। अच्छा, तो ये आप लोगों ने शायद मेरे साथ सुना कि पहली बार किसी को मैं बताया, और शायद पहली बार किसी ने पूछा भी है, और हमको लगता है बिंदास भोजपुरी चैनल में पहली बार नाम है, टाइटल में इसके लिए रखा हूँ कि मुझे भोजपुरी से बहुत ज्यादा प्यार है, और मैं जो भी करता हूँ, भैया को कुछ प्रोजेक्ट करने वाला था, अभी बात चल रही थी, बोला भैया असलियत के खिलाफ हम लोग काम करेंगे, असलियत थोड़ा सा नहीं होना चाहिए, खाली दिखाना है कि ऐसा ऐसा, लेकिन असलियत मेरा कोई वीडियो उठा के एक भी गाने में कोई नहीं बोल सकता कि असलियत है, यही तो आपकी महानता है, भोजपुरी की लाज बचाने वाले। टाइटल डालने का कारण यही है कि मुझे खाली भोजपुरी से प्यार, और मैं भोजपुरी के लिए जीता हूँ, भोजपुरी के लिए। अच्छा, सब लोग हिंदी में जाना चाहते हैं, कोशिश ये करते हैं कि भाई हिंदी में आ जाओ, और हम भोजपुरी में अच्छा काम करेंगे तो हिंदी में चले जाएंगे, लेकिन जीती भोजपुरी शायद ऐसा नहीं चाहते, भोजपुरी के लिए बने हैं। अगर मुझे हिंदी में जाना होता तो मैं अपना भोजपुरी टाइटल नहीं डालता, क्योंकि आपको भी पता है भोजपुरी टाइटल लगाने से कोई हिंदी वाले नहीं सोचेगा कि हिंदी काम करता है, टाइटल ये ज्यादातर सब लोग बोलते हैं भोजपुरी वाला है, तो भोजपुरी ही करता है, इसलिए मैं टाइटल डाल दिया, और इसलिए मैं भोजपुरी ही करूंगा, और जब तक जूंगा तब तक भोजपुरी का, हिंदी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या बात है, अरे ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की हिम्मत के साथ, डेडिकेशन के साथ इस बात को कहते हैं। ये कर सकते हैं कि मैं, मेरी एक कोशिश रहेगी कि भोजपुरी के लेवल तक काम करके दिखाना, एक जिसे कोई भी काम हो जाए, एल्बम हुआ चाहे फिल्म हुआ, तो जिस लेवल का भोजपुरी बन रहा है फिल्म या एल्बम, वो मेरा टारगेट है कि उस लेवल तक मैं काम करके दिखाऊं, वो भी भोजपुरी में। वाह जीतू भाई, अब खेसारी भाई के साथ आपने तो बड़े हिटेड गाने किए हैं, जब भी आप और खेसारी लाल यादव इकट्ठे होते हैं तो गाना बड़ा हिट हो जाता है, 100 मिलियन तो उसके सामने कोई चीज ही नहीं रहती है, अब कब ये जोड़ी इकट्ठा होगी? बहुत जल्द होने वाली है, लोकगीत की तैयारी चल रही है, जनवरी से हम लोगों का काम चालू होने वाला है, तो उसमें मेरा टारगेट इस बार कुछ अलग करने का, भोजपुरी में हटके करने का, और मुझे उम्मीद है कि जैसे सारे गाने को 100 मिलियन प्लस जाता हो, 200 मिलियन प्लस जाएगा। अरे वाह, टारगेट है और ये मेरा लक्ष्य है। अच्छा, मैंने सुना कि खेसारी लाल यादव के साथ तो आप फिल्में करते ही हैं, माफी चाहता हूँ, गाने करते ही हैं,
आप पवन सिंह के लिए भी कोई प्रोजेक्ट करने वाले हैं शायद? हाँ, पवन भैया का भी मैंने 9 गाने किए थे देवी गीत, और अच्छा लगा उनको और मुझे भी काम करके अच्छा लगा। पवन भैया का कुछ गाने मेरे पास आए हैं जो अभी जनवरी में शूट करना है मुझे। अच्छा, तो अच्छा क्या फर्क होता है बेसिकली पवन सिंह के लिए गाना शूट करना, डायरेक्ट करना, और खेसारी लाल के लिए गाना डायरेक्ट करना? मैं तो बोलूंगा कि दोनों के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और दोनों लोगों के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा पता ही नहीं चल रहा था कि मैं एक सुपरस्टार के काम कर रहा हूँ, क्योंकि एज ए डायरेक्टर हूँ तो जो मैं बोलता था वो करते थे लोग, और जब मैं बोलता था कि भैया ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं तो बोलते थे ठीक है जो आपको अच्छा लगा वो करिए। तो मुझे अच्छा लगा कि मतलब मेरी भी बात सुनी जाती है। खाली कैसे हवा इंडस्ट्री बोलते हैं सब स्टार है तो आपका ये नहीं होगा ये नहीं होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये तो हीरो की बात आपने बताई, हीरोइन भी आपकी उसी तरह से बात सुनी है? नहीं, लोगों भी सबके साथ लगभग मैं काम कर चुका हूँ, भोजपुरी के लगभग सारे स्टार लोगों के साथ काम कर चुका हूँ, सारे लोगों के साथ काम करके अच्छा लगा मुझे। अच्छा, हीरो लोगों की मैं बात कर रहा था तो जीतू भाई बड़े शालीनता से जवाब दे रहे थे, बड़े सीधे तरीके से। जैसी बात मैंने हीरोइन की तो चेहरे पर एक मुस्कान कुछ नहीं है, आप पूछिए इसलिए बता दिया। बहुत शानदार जीतू भाई, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सतेंद्र भाई, तब अगली फिल्म कहाँ शूट की जाएगी? जी, अगली फिल्म हम फरवरी में कर रहे हैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज में ही। अच्छा, और कौन कौन होगा? जी, उसमें निधि झा है मेरे साथ में। अच्छा, लुलिया। लुलिया, हाँ हाँ, लुलिया, लुलिया से फेमस, मतलब लुलिया कही जाने वाली, एकदम डिजर्व कर रही है। और इसमें है उमेश सिंह भैया है जो टाइगर कहे जाने वाले अपनी इंडस्ट्री के बड़े भाई, आयाज भाई है, आयाज खान, सीपी भट्ट है, और निकिता एक लड़की अभी बहुत अच्छी है, एक दो फिल्म की है, निकिता घोष वो भी काम कर रही है, और बहुत सारे लोग अभी हैं। अभी पता कुना एक ज्योति कलश जी हैं, आईएएस अफसर हैं, वो काफी फिल्म में काम करते हैं। अच्छा, तो कमिश्नर हैं वो दिल्ली। अच्छा, में नागालैंड हाउस के वो भी कर रहे हैं। और अब ऐसे अभी नाम फाइनल हो गया सतेंद्र भाई जी का, फिल्म का नाम है भूचाल। भूचाल, भूचाल मतलब भूकंप, अर्थक्वेक। अरे वाह, मैं उम्मीद करूंगा कि जब पिक्चर रिलीज हो तो एक बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सुनामी सा साबित हो कुछ। जी, मैं बहुत कम नाम आपको पता ही है, बहुत कम चुनिंदा फिल्म, और फिल्म हम फिल्म के लिए करते हैं, बिजनेस तो होना ना होना ऊपर वाले का। एक्टर को सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, फिल्मों का बिजनेस जो है वो ऑडियंस नहीं करेगी, उस पर ही छोड़ देना चाहिए। क्यों जीतू भाई? सर, आपने देखा होगा मेरी घात की भी ट्रेलर देखे आपने, और मैं खुद तो अपना स्टंट खुद करता हूँ, मैं ऐसे खुद 5 साल फाइट सीखा, फाइटर का जो डिप्लोमा है जो कहे जाता है वो भी लिया हूँ, और चल रहा है अभी। क्या है, आप सबका आशीर्वाद प्यार दुलार है, और 2-3 पिक्चर और है मेरा, लेकिन अभी कुछ नहीं बोलूंगा, पहले ये शूट करूंगा, उसके बाद वो जैसे दीवाना तेरा मर जाएगा ये भी मेरा अभी इसके बाद शूट है। अरे वाह जी जी, तो ये सब पिक्चरें अभी हैं, बाकी बोल नहीं सकते, इंडस्ट्री है, बोल होता कुछ और है, होने जाने वाला कुछ और है, होगा कुछ जो भी होगा हमेशा अच्छा होगा। वो तो अच्छा, मेहनत से किया गया कोई भी काम हमेशा अच्छा होता है, उसका परिणाम अच्छा ही होता है। मेहनत ही है वो चीज जो कि एक छोटे शहर से आए हुए एक लड़के को मशहूर बना देती है, मेहनत ही वो चीज है। सब आप लोगों का प्यार है, और सबसे ज्यादा सपोर्ट आप लोगों के माध्यम से मिलता है, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। इस काबिल नहीं हो कि धन्यवाद बोलूं, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरे बर्थडे को इतना स्पेशल बनाया। मेरे मित्र BMW साहब, BMW एक्चुअली तो मजा आया आपको बहुत बहुत है। अच्छा, आज के आपके साथ पूरा दिन हमने बिताया है, इनका 3 जगह पे हमने केक काटा है, और बहुत सारा केक खिलाया है इन्होंने हमें। हाँ, बहुत सारा केक खिलाया। कल ये भाई साहब मेरा बर्थडे केक लेने के लिए 20 किलोमीटर रात में 12 बजे चले गए थे गाड़ी लेकर, तो वहां से केक ढूंढ के लेके आया। थैंक यू सो मच, और आप सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो आए थे आप बर्थडे मनाने, लेकिन थोड़े सवाल जवाब भी हो गए, तो ऑडियंस का भी और थोड़ा सा मनोरंजन हो जाएगा। कुछ सवाल है अगर तो आप कमेंट्स के जरिए हमें भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच, एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।